जी महाराज उनके किलों का इतिहास जग भर को पता चले, यह मांग सरकार से करते हुए सह्याद्री प्रतिष्ठान संगठन ने किया उपोषण। शिवाजी महाराज के जमाने के किलों का पुनर्विकास हो व पूरे जग को उन किलों का इतिहास पता चले। यदि किलों का पुनर्विकास किया जाए तो टूरिस्ट पॉइंट्स बन सकता है, जिसके कारण वहां के लोगों को रोजगारी मिलेगी और धीरे धीरे हमारे देश से इसी तरह बेरोजगारी खत्म होगी। इसी विषय पर 4 महीने पहले भी पोषण किया गया था, परंतु सरकार से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया नहीं आई। इसी कारण मुंबई हाई कोर्ट में अपील की गई। हमारी आने वाली नई पीढ़ी को इतिहास की जानकारी हो व अन्य सहूलियतों के लिए यह आंदोलन छेड़ा है, ऐसा कहना है सह्याद्री के कार्यकर्ता रोहित देशमुख का। महाराष्ट्र के 400 गढ़ किलों का विकास होना चाहिए, इसके लिए हमारा आजाद मैदान में ये दूसरा उपोषण चालू है। इसके पहले ही हमारा 2 महीने, इसके 6 महीने पहले उपोषण हो चुका था, लेकिन सरकार से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके पहले हम लोगों ने सरकार से पत्र व्यवहार किमान 10 बार मिनिमम 10 बार कर चुके हैं, लेकिन सरकार से इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। पुरातत्व खाते के पीछे ही हम लोग पढ़ रहे हैं इस बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में। ये बहुत गंभीर विषय है। महाराष्ट्र का जो गढ़ किले फोर्ट्स है, महाराष्ट्र के फोर्ट्स है, उसका विकास होना चाहिए, इसके लिए हम झगड़ रहे हैं। और ये सब करके हमें कुछ मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में, मुंबई हाईकोर्ट और औरंगाबाद हाईकोर्ट में महाराष्ट्र का गढ़ किलों का विकास इस सब्जेक्ट पर जनहित याचिका जाहिर कर चुके हैं। महाराष्ट्र के जो तकरीबन 400 फोर्ट्स है, जो शिवाजी महाराज के पहले से, शिवाजी महाराज के बनाए हुए और शिवाजी महाराज के बाद में जो बन चुके हैं, ये सब फोर्ट्स महाराष्ट्र का इतिहास है जो पूरे जग में फैलना चाहिए। जो महाराष्ट्र के फोर्ट्स का विकास आगे आने वाली पीढ़ी को समझना चाहिए, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि इससे पर्यटन विकास का भी एक धागा, इनडायरेक्टली बोलो या डायरेक्टली बोलो, जुड़ चुका है। अगर महाराष्ट्र के किले का विकास हो रहा है और वहाँ पे बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, तो पर्यटक आएंगे और वहाँ पे अपने मतलब जो पर्यटन विकास को चालना मिल सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक पूरे जगह भर से हो या देश भर से हो, वहाँ पे आ सकते हैं, वहाँ का इतिहास उनको मालूम पड़ सकता है।